जी हाँ, साथ निभाना साथिया से लेकर बहू बेगम तक अपने दमदार किरदार से लाखों दिलों पर जगह बनाने वाले मोहम्मद नाजीम। जी हाँ, मोहम्मद नाजीम को तो आप सभी जानते ही होंगे, किस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव किरदार दोनों में ही इन्होंने काफी ज्यादा वाहवाही लूटी है। दर्शकों को इनके दोनों ही अवतार, दोनों ही रूप बेहद ही ज्यादा पसंद आए थे। जी हाँ, वेल ये तो आप जानते हैं कि बिग बॉस का टॉपिक कितना ज्यादा हॉट टॉपिक है। हर सेलिब्रिटी इसे बड़ी ही बारीकी से फॉलो करता है और देखना पसंद करता है। तो बस बिग बॉस के एक फैन है मोहम्मद नाजीम भी, जिन्होंने सामने आकर खुलकर बिग बॉस 13 सीजन पर बात की है और जमकर घर वालों पर अपनी भड़ास निकाली है। तो चलिए आज आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में सुनाते हैं आखिरकार क्या कुछ कहना है मोहम्मद नाजीम का बिग बॉस सीजन 13 के बारे में। उनके हिसाब से ये सीजन कितना टेढ़ा है, देखिए और सुनिए उन्हीं की जुबानी। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक वेलकम टू आवर चैनल एंड नाजीम, कई सारी बातें करनी है आज हमें आपसे, मतलब बिग बॉस के रिलेटेड भी बात करना है। पहले बिग बॉस से ही चालू करते हैं। क्या आप बिग बॉस 13 फॉलो करते हैं? जी मैं बिग बॉस 13 फॉलो कर रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ। क्या लगता है कि किस तरह की अभी गेम प्लानिंग अंदर चल रही है, कौन टॉप 5 में होने वाला है? गेम प्लानिंग बहुत ही चल रही है, जितने भी लोग खेल रहे हैं ना, सबकी गेम प्लानिंग है। नो डाउट, कोई ऐसा नहीं है कोई एक बंदा कि गेम प्लानिंग कर रहा है, लेकिन सबकी गेम प्लानिंग है। सबका अपना अपना एक तरीका गेम खेलने का। और जो टॉप 5 में अगर पूछा जाए मुझसे, तो टॉप 5 में सिद्धार्थ, रश्मि, सना, आसिम और पारस, ये मुझे टॉप 5 में बहुत ही क्लियरली दिख रहे हो। क्या लगता है कि कौन फेक खेल रहा है, कौन सही में रियलिटी शो में अपना रियल शो करने की कोशिश कर रहा है? रियल अगर देखा जाए तो सिद्धार्थ शुक्ला खेल रहा है, सना खेल रही है, लेकिन हाँ कभी कभी वो जैसे वो ड्रामा करती वो समझ नहीं आता, बस और सब बढ़िया है। और आई थिंक आसिम बहुत अच्छा खेल रहा है ना, हाँ ये लोग जो अच्छा खेल रहे हैं। ओके, जैसे कि अभी हमने हाल ही में देखा था कि सलमान भाई ने काफ़ी शहनाज को डांट दिया था उनके बर्ताव की वजह से, आपको क्या कहना है? जो ये बर्ताव था शहनाज का, वो कहीं ना कहीं गलत था या वो उनका बचपना था? बचपना था जो उन्होंने डांटा उसे, और बहुत अच्छा भी लगा मुझे, है ना, डांटना भी चाहिए, बिकॉज आप बहुत जल्दी ऐसी चीज़ों से ना पक जाते, कोई भी इंसान हो बहुत जल्दी पुट ऑफ हो जाएगा ऐसी चीज़ें करने से। मतलब वो चीज़ समझ नहीं आती है ना कि ऐसे करके ऐसा बिहेवियर करके बचो ऐसा कि एक, और वो भी कोई ऐसा इंसान आपको समझा रहा है जो बहुत बड़ा स्टार है, इज़ ए सुपर स्टार, आपसे वो बात कर रहा है, बहुत अच्छे से बात कर रहा है और बहुत प्यार से बात कर रहा है। आप हमेशा जब से देखा, और बहुत लोग बोलते भी हैं कि सलमान ऑलवेज सना की साइड लेता है ना, लेकिन हाँ वो लेते भी हैं, लेकिन वो सही चीज़ों में लेते हैं, ऐसा नहीं गलत चीज़ों में लेते हैं। सो ये चीज़ है कि ये मुद्दा ही जेलेसी पे उठा था, क्या लगता है कौन जेलस है ज़्यादा? ये जेलेसी तो नहीं बोल सकते, हाँ नो डाउट उसमें जेलेसी वर्ड नहीं यूज़ करते, उसको बोलते हैं अपना एक पोजेसिव होना, ओवर पोजेसिव, तो वो ओवर पोजेसिव है सिद्धार्थ को लेके थोड़ा सा, तो पहले वो पारस को लेके थी, हाँ तो पारस को वो अभी भी पसंद करती है, लाइक करती है, लेकिन थोड़ी सी अभी वो पोजेसिव है सिद्धार्थ शुक्ला को लेके, जैसे सिद्धार्थ शुक्ला उससे बात करता है। ओके, जैसे मायरा सिडनास की जोड़ी लोगों को बहुत पसंद आती है, वहीं पारस और मायरा की भी जोड़ी है, उन जोड़ी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है कि वो हकीकत वो दोस्त है या उनसे ज़्यादा देखने मिल रहा है? आज जोड़ी बहुत अच्छी लगती है ना, देखने को बहुत अच्छा लगता है ना, दोनों बहुत क्यूट भी दिखते हैं, लेकिन हाँ वो थोड़ी सी मायरा को अभी भी पारस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर वो पारस का साथ छोड़ के अपने इंडिविजुअली खेलेगी तो मुझे ही लगता है कि उसको किसी की ज़रूरत पड़ेगी, वो अच्छा खेल सकती है, वो बहुत अच्छा आगे जा सकती है, जब वो अपना मसला हिट कर सकती है तो अपने आप को क्यों नहीं हिट कर सकती। बिल्कुल जितने भी हमने इंटरव्यूज किए सभी ने यही कहा है कि जरी वाला हमेशा ग्रुप को तोड़ती है और अभी उनका टारगेट है पारस और मायरा को तोड़ना, क्या लगता है कि ये मतलब जो लोग बोल रहे हैं ये सही में हो सकता है या नहीं? नहीं, मैं इतना बहुत एग्जैक्टली तरीके से फॉलो नहीं करता कि कौन किसको तोड़ रहा है, लेकिन हाँ वो चीज़ें थोड़ी सी ऐसी करती है कि सबको तोड़ के वो उसको क्या लगता है कि जब चीज़ें टूटेंगी ना, तो जब इनकी जो जोड़ी है, अगर मेरा फोकस काम पे है तो मेरे घर में लड़ाई झगड़े होंगे या मेरे पर्सनल लाइफ में लड़ाई झगड़े, तो मैं अपने काम से हट जाऊँगा, थोड़ा सा मेरा फोकस हट जाएगा, मेरा फोकस थोड़ा सा उस तरफ चला जाएगा, तो इसलिए वो भी
टीम को और अपने आप को ऊपर करने के लिए वो चीज़ें करती है, चीज़ें चेंज करती है, लड़ाई झगड़ा होता है या फिर पिन करती है या फिर पोक करती है, तो ता इसलिए करती है कि ये चीज़ें जब टूटेगी तो खुद ब खुद जो उसका इंटेंशन है वो गेम से हट के उस तरफ बढ़ जाएगा जिसके लिए वो कर रहा है, और वो आगे जा सकती है स्टेप, और वो स्टेप बाय स्टेप ऐसी आगे आई है देखा जाए तो। हाँ ये सिद्धार्थ की जोड़ी की बात करते हैं, मतलब जैसे पहले हमने काफी देखा था सिद्धार्थ जोड़ी बहुत ट्रोल हो रही है, बहुत अच्छी हिट हो रही है जोड़ी, मुझे लगता है पूरा हिंदुस्तान अब जानने लग गया है कि सिद्धार्थ की जोड़ी क्या है। ओके, ये जो सिद्धार्थ इतने एग्रेसिव रहते थे वही जानना चाहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं लगता है जो अभी इतने शांत है वो शहनाज की वजह से शांत रहते हैं, उन्हें शहनाज ने उन्हें शांत नहीं रहता, एक तो वो जो उसकी आसिम से लड़ाई होती वो खत्म हो गई है ना, तो वो बहस होती थी जो अब बीच बीच में जो भी उसे बिकॉज अब सब लोग ना जम चुके हैं, उनको पता है कि हमें किस तरीके से बात करनी है, गाली गलौज नहीं करना, और सीधी सी बात है मैं कितनी भी गाली देने लग जाऊँ, मैं किसी को रोज़ गाली देता हूँ मुझे पता चलेगा मैं रोज़ गाली दे रहा हूँ इसको मतलब क्या है देने का, है ना, तो वो चीज़ें अपने आप एक ठहराव आ जाता है, तो वो चीज़ आ गई है। और वो जो शहनाज का जो चल रहा है उसके साथ, तो वो थोड़ा सा ना कन्फ्यूज अभी आई थिंक मुझे जहाँ तक लगता है कि सिद्धार्थ थोड़ा सा कन्फ्यूज़ है कि यार मैं इसको किस तरीके से समझाऊँ, बिकॉज वो कुछ भी समझाता है उसको अपने तरीके से समझना होता है, लेकिन एक होता ना इंसान कि मैं इसको इस तरीके से समझाता हूँ, मैं इस तरीके से बात कराता हूँ, इस तरीके से बात करता हूँ ताकि इसको समझ आ जाए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोलना चाहता हूँ और तुम क्या दिख रहे हो, लेकिन नहीं कुछ लोग होते हैं कि नहीं भाई मैं जो कर रहा हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, मैं क्या करूँ, तो इसके आगे आपके पास ऑप्शन नहीं है ना। फिर आसिम और रश्मि की जो दोस्ती अभी अभी इतनी दिख रही है उसके लिए क्या कहना चाहिए? तो देखो सीधी सी बात है, आसिम को भी एक ऐसा इंसान चाहिए जिससे होता क्या ना, एक तो आपको फुटेज भी चाहिए होती है, आपको गेम के अंदर भी रहना है, तो उसके भी सिद्धार्थ से लड़ाई होनी बंद हो गई है, तो दोनों के लिए एक वो हो गया है ना, तो क्या है क्या करना है क्या नहीं है। और रश्मि के लिए ये हो गया है कि रश्मि जिससे ज़्यादा अटैच थी, जैसे अरहान था उनसे बात करती है, वो अपनी चीज़ें करती, जैसे पीछे उसके घर का हुआ, उसकी पर्सनल लाइफ को लेकर हुआ, वो चीज़ें भी ख़त्म हो गई, तो दोनों को इक्वली, और आसिम को रश्मि का ज़्यादा फ़ायदा है, और रश्मि को इसलिए ज़्यादा फ़ायदा है बिकॉज आसिम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सो है ना, तो दोनों एक दूसरे के साथ से वो भी आगे चल रहे हैं, तो ये चीज़ है। रश्मि की गेम प्लानिंग की बात की जाए तो वो आपको कितना अच्छी लग रही है गेम? रश्मि भाई गेम खेलती है लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से खेलती है, और समझ भी नहीं आता इंसान का वो किस तरीके से गेम खेल रही है, वो गेम इसलिए ऐसे अच्छे से खेल रही है। अभी जैसे कि मैं आपसे बात करूँ यार कि भाई तू मेरे लिए काम कर रहे तो बहुत अच्छा है ना, और काम जैसे तुमने काम कर दिया तुम्हें मैं थैंक यू भी ना बोलूं, और बोलूँगी तो बातें होती रहती है, कौन सी बड़ी बात है, सब उस तरीके से गेम खेल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, बिग बॉस के बारे में तो बात हो गई काफ़ी, जानना चाहेंगे कि काफ़ी न्यूज़ आया था कि आप शादी करने वाले हैं, उसके बारे में? हाँ यार, मैं शादी करने वाला था लेकिन अभी फ़िलहाल अभी 2 महीने पहले मेरी मॉम एक्सपायर हुआ है ना, आपको पता ही होगा जैसे कि, तो मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में था, उसमें डिप्रेशन नहीं बोलूँ मतलब बहुत ही, मतलब एक होता ना इंसान की फैमिली में बहुत जैसे अटैच हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा अटैच था, तो वो चीज़ें हुई हैं। अभी मेरी शादी के बारे में अभी फिर सोचा ही नहीं, अभी थोड़ा सा पोस्टपोन किया, और दूसरी चीज़, और मैंने ऑलवेज मैं सोचा हूँ मैं शादी जब भी करूँगा ना मैं जब करने वाला हूँ करूँगा अभी, और जैसे ही मेरी सिस्टर की, छोटी सिस्टर की शादी हो जाती है जो मेरे पे अभी एक है, मेरी एक हाँ, तो मेरे लिए एक वो सबसे पहले वो इम्पोर्टेंट है कि मैं अपनी बहन की शादी करूँ, छोटी बहन की, तो वो जैसी होती है तो इंशाल्लाह हम भी घोड़ी बारात दूल्हा सब रेडी फिर जल्दी तो वेट करेंगे कि ऑफ कोर्स इंशाल्लाह काफ़ी आपको, मतलब हमने साथ निभाना साथिया में इतने अच्छा किरदार, देन बहू बेगम में इतना अच्छा किरदार निभाते हुए देखा, आगे कोई प्रोजेक्ट इधर? हाँ अभी जो मैं करने वाला हूँ, मेरी एक बहुत अच्छी बड़ी तमन्ना है कि बस मेरे एक दिली तमन्ना है कि मैं एक एक्शन शो करूँ, है ना, सो वो करूँ जिस तरीके से मैं दिखता हूँ एकदम अलग टाइप का, तो वो बस एक है। ओके, जैसे आजकल देश के माहौल चल रहे हैं, जैसे JNU का मुद्दा उठा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे ये जो CAA के लिए JNU वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं? यार सीरियसली बताऊँ तो मैं बहुत ही देखते ना, बिकॉज ये तो ठीक है लेकिन जब हम कहीं बाहर जाते हैं, है ना, बाहर कंट्री में जाते हैं, जब लोग पूछते हैं कि यार आपके इंडिया में क्या हो रहा है, तो वो लोग ये नहीं बोलते हमें कि यू आर द हिंदू, यू आर द मुस्लिम,
तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि यार आपके इंडिया में क्या हो रहा है, व्हाट इज़ दैट, है ना। सो वहाँ पे जब ऐसा लगता है कि यार इंडिया में क्या हो रहा है, मतलब भाई आपके इंडिया में तो ये हो रहा है, आपके स्टूडेंट के साथ आपके साथ ऐसे हो रहा है, आपके कल्चर को ऐसे लेके हो रहा है, आपके रिलीजन को लेके ऐसे हो रहा है, तो हमें लगता है हम कितनी छोटे दुनिया में रह रहे हैं। हमने इतना मुकाम बनाने के बाद भी, इतना कुछ करने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी आज हमारा देश स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में, मनी में, टेक्नोलॉजी में, हर चीज़ में कितना ऊपर चला गया, लेकिन सोच हमारी वहीं की वहीं अटकी पड़ी है कि यार ये हिंदू हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये जेएनयू में है, ये इसका, ये इसका, तो यही चीज़ें चली जा रही है टीवी पे सारा दिन। अब तो मतलब फैमिली में बैठ के आप न्यूज़ देखते हो तो फैमिली वाले डरते हैं, बच्चों को दिखाते हो तो बच्चे डरते हैं, तो मतलब आप न्यूज़ पे भी क्या देखो, सारा दिन यही लड़े झगड़ा, रेप, मारपीट। सो ऐसा तो इंडिया नहीं है यार, है ना। इंडिया में इतने सारे लोग हैं, इंडिया से बेस्ट कुछ नहीं है। मैं इतनी सारी कंट्रीज़ में घूमा हूँ, इतनी सारी कंट्री में से गया हूँ, तो मुझे लगता है कि वहाँ पानी पीने के लिए भी आपको 100 जगह जाके बोलना पड़ता है कि यार कहीं पानी है। तो हमारे इंडिया में आप कहीं एक साला चाय वाले के पास चले जाओ कि भाई पानी पीना है, तो वो भी आपको पानी पिला देगा, ट्रस्ट मी। तब जाके हमें रियलाइज़ होता है कि हम कितने ब्लेस्ड हैं कि हम इंडियन हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आई एम सो ब्लेस्ड कि मैं इंडियन हूँ और मुस्लिम हूँ। सीरियसली, मेरी फैमिली में मेरे घर वालों ने हमेशा से एक ही चीज़ कही है कि अपनी कंट्री के, अपने मज़हब की सबसे पहले करना, बाद में अपनी सोचना, लेकिन पहले कंट्री। मज़हब मज़हब ऊपर वाला है यार, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, है ना। वो बहुत बड़ा, वो जिसने दुनिया बनाई है, कि बच्चा पैदा किया है, कि इंसानों को पैदा किया है, जानवरों को पैदा किया है, पेड़ पौधे सारी चीज़ें की, तो उसको किसी की ज़रूरत क्या पड़ेगी। हाँ, आप उसके तरीके चलो, देखो मज़हब है, कोई चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ तो दिया है, लेकिन कंट्री की तो हमें अपने तरीके से संभालनी पड़ेगी यार। कंट्री तो हमें खुद से अपने तरीके से चलानी पड़ेगी। तो जब हम ये चीज़ें देखते हैं कि यार मार पिटाई, लड़कियों को मार के फूंक देना, जला देना, रेप कर देना, शिट यार, मतलब ऐसा लगता है कि हम किस दुनिया में रह रहे हैं यार। इंसानियत नाम की चीज़ ख़त्म ही हो चुकी है, लोगों में इंसानियत है ही नहीं है, कि यार प्यार मोहब्बत ख़त्म ही हो चुका है। कभी कोई किसी पर कमेंट करे, कोई किसी पर कमेंट करे, आपके पास इतना टाइम होता कैसे है यार। आप उससे पूछो ना, जो एक बंदा चाय बना के रोज 200 रुपये कमा के घर पे जाता है, अब उससे पूछो कि भाई तो उसके वो, उसको पता ही नहीं होगा बेचारे को, उसको अपनी फैमिली के बारे में पता होगा, यार मेरा बेटा बीमार है, मुझे बच्चे की पढ़ाई करवानी है, मुझे बच्चे इंजीनियर, वो कैसे बनाएंगे यार। जो अमीर है अमीर होते हो रहे हैं, जो गरीब है गरीब ही हो रहे हैं, कोई किसी की हेल्प करते नहीं है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, सबको ये अच्छा ये हो रहा, अरे मैं क्यों देखूँ। कोई किसी सड़क पर गिरा पड़ा, कोई किसी हेल्प नहीं करता। पड़ोस में कोई मर जाता है, कोई बीमार हुआ पड़ा है, तो कोई किसी की हेल्प नहीं करता, सब अपना दरवाज़ा बंद करते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं। वो सुबह उठ के फैक्ट्री में चला जाए, वो शूटिंग में चले जाए, तो मतलब अगर हम एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे यार, मतलब आप देखते हो कि मतलब मैंने ये नहीं कहता कि यार सारे बदले चाहिए, लेकिन अगर हम थोड़ा थोड़ा करके बदलेंगे ना, इंसानियत अंदर लेकर आएंगे, तो हमारे अंदर सारी चीज़ ठीक हो जाएगी। आप लोगों की रिस्पेक्ट करो, लोगों की हेल्प करो, है ना, माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, भाई बहन की इज्जत करो, उनके साथ रहो, फैमिली को साथ में जोड़ कर रखो। बहुत सारे कपल्स हैं जो मैं देखता हूँ अभी कि जैसे वो पहले तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जैसे उनकी बीवियाँ आती हैं तो वो चेंज हो जाते हैं। सास उनको हिटलर दिखने लग जाती है, बहू उनको काली माँ दिखने लग जाती है। तो ये मतलब समझ नहीं आता, फैमिलीज भी सब कुछ ऐसे क्यों, इसलिए क्योंकि हम एक दूसरे रिस्पेक्ट नहीं करते, इसलिए हमारा माहौल बढ़ रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो वो चीज़ें क्यों करनी। मैं अपनी माँ को आज बहुत मिस करता हूँ, बिकॉज मेरी माँ ने हमेशा मुझे अच्छी चीज़ें सिखाई हैं ऑलवेज। मैं बहुत अच्छा, मुझे लगता है वो बहुत ब्लेस्ड हैं जिनके माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, है ना, आपकी फैमिली है। अकेले रह के भी, अकेले पैसे कमा के भी क्या करोगे जब कोई खाने वाले नहीं होगा, जब आपको पूछने वाले नहीं होगा। मरना सब ने है ना एक दिन, लेकिन उस मरने का भी क्या, जो काम ही ना किसी के जीने। तो रिस्पेक्ट करो औरतों की। आज जो रेपिस्ट घूम रहे हैं, मुझे लगता है कि यार जगह जगह रेप होते हैं, है ना। इस सबसे अच्छा इसका एक ही तरीका, जैसे वो भी किया था, कि उनको इनकाउंटर करो। मुझे लगता है कि इनकाउंटर करने से अच्छा कोई ऐसी चीज़ निकाली जाए जिसका इसका तोड़ हो, रेप क्यों होते हैं। और इतनी बाहियात, क्या आप रेप करने के बाद आपके अंदर इतनी
चीज़ें कैसे आ जाती हैं, आप किसी लड़की को रेप भी करो और उसको जला के मार दो, है ना? तो आपके अंदर इतनी ताकत, क्या आपने अपनी बहनों को नहीं देखा? यार मेरी सिस्टर्स हैं, मेरे से बड़ी हैं दो, मेरी जो छोटी हैं दो, मतलब मैं अपनी लाइफ, जब मैं अपने घर जाता हूँ मैं भूल ही जाता हूँ काम वाम, मुझे लगता है यही मेरी दुनिया है, यही मेरे लिए सब कुछ है। जब मैं उनकी रिस्पेक्ट करूँगा ना, तो बाय नेचुरली आप बाहर भी लोगों की रिस्पेक्ट करोगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपकी दोस्त हो, चाहे कलीग हो, चाहे आपका क्लासमेट हो, मतलब आई थिंक कोई भी एक्सवाइजेड, चाहे कोई वो नॉर्मल इंसान क्यों ना हो, तो आप उसकी भी रिस्पेक्ट करोगे। स्पेशली औरतों की रिस्पेक्ट करो, माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, दोस्तों की हेल्प करो, है ना, अपने पड़ोस की हेल्प करो, जहाँ आपको कहीं लगता है, ज़रूरी नहीं है आपका बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ करते हो, अगर आप लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा भी करोगे ना, तो आप देखना इंशाल्लाह आप कहाँ जाओगे सुबह से। असली फैन से क्या कहना चाहेंगे जो हमेशा आपको इतना प्यार देते हैं, और कब आप बहुत जल्द? बस फैंस को ये कहूँगा कि बस आप जैसे मुझे प्यार देते रहें, प्यार देते रहें, दिल और दुआ में याद रखें, दुआएं देते रहें, दुआ में याद रखें, और बहुत जल्द इंशाल्लाह वेरी सून हम टीवी पे या फिर एक बड़ी स्क्रीन पे आपके साथ रूबरू होंगे। थैंक यू सो मच, लव यू। नेक्स्ट टू 9 लाइव डेस्क से इंदु की रिपोर्ट।